हेलो, कैसे हैं आप सब। ये मैंने 1 किलो गाजरें लेके इन्हें साफ़ करके धो लिया है छील के, और ये काट रही हूँ मैं। और इनको काट के ही बनाना है, कसना नहीं है। और इनको बनाने के बाद, काटने के बाद इसको मैं देख, ये मैंने दूध सुखाया 1 किलो, ये दूध सुखा लिया 1 किलो, रख दिया था पहले से गैस पे गाढ़ा करने के लिए। और इस पर देखची रख रही हूँ मैं। अब इसमें 1 चम्मच तेल घी डाला है, देसी घी है घर का बना हुआ। और ये इसमें गाजर शामिल कर दी मैंने। गाजर शामिल करने के बाद इसे ढक के रख देंगे थोड़ी देर के लिए, इसमें खुशबू आ जाएगी, थोड़े नरम भी हो जाएंगे हमारी गाजर। अब इसके बाद मैं इसमें दूध डालूँगी, शामिल करूँगी। दूध शामिल करने के बाद इधर मैंने एक फ्राई पैन रखा, उसमें 1 चम्मच घी डाला, गोला का तला है इसमें। गोला तलने के बाद इसमें बादाम डालूँगी, इसमें किशमिश डालूँगी, इसमें खरबूजे की मींगी और पिस्ता, दोनों सब चीज़ तल के और ये प्याले में निकाल लिया मैंने। इसमें 1 प्याला गुड़ डाला है और थोड़ा सा पानी शामिल किया है 1 प्याला। ये गुड़ पे लग गया, इसका थोड़ा सा जूस बन गया, इसको मैं इसमें डालूँगी। पतला हो गया गुड़, इसमें शामिल करने के बाद इसमें फिर मैं क्या क्या डालूँगी बताऊँगी अभी। इसको मैंने गुड़ को शामिल कर दिया। अब इसमें मेवा डाल दी सब, जितनी तली थी अभी। 1 चम्मच इसमें सफ़ेद इलायची का बुरादा डाल दिया, इसमें 1 चम्मच घी शामिल कर दिया। इसके बाद इसको डोंगे में निकाल लिया है, प्यालों में निकाल कर सबको दिया जाएगा खाने को। कितना प्यारा कलर और खुशबू आ रही है, लजीज और मज़ेदार। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो।